अभी हमें एक स्टॉल के पास आ गए हैं जहाँ पर काफ़ी ज्वेलरी मिल रही है। लड़कियों की जो होती है सबसे पहली पसंद जो होती है वो ज्वेलरी ही होती है, तो यहाँ पर जानेंगे कि ये कहाँ से आई हैं और स्टॉल कितने दिनों तक लगेगा। मैम आप कहाँ से आई हैं? आरा से हैं। कब तक ये स्टॉल लगेगा? 30 तारीख तक है। 30 तारीख तक है। और क्या कुछ खास है आपके पास? मेरा सूजनी है, हाथ का बनाया हुआ है, घर का चीज़ है, सब गाँव के महिलाओं बनाती है सब सूजनी। और पेटिसियल ज्वेलरी है, ज्वेलरी का हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं भजपुर महिला कला केंद्र से, वहाँ से ये सब हम लोग बनाते हैं, 2007 से काम कर रहे हैं। तो क्या कितना बिक्री हो रहा है आप लोगों का? अभी तो कल से लगे हैं, अभी देखिए आज के ऊपर क्या है, कल तक कुछ हुआ आज भी देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर स्टॉल लगा के? अच्छा लगता है, हम लोग तो बराबर आते रहते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा सेल होता है, भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने से कितने तक का आपके पास सामान है? मेरे पास 300 रुपया से है, 250, 200, 150, यही 40, 50 यही रेट का है। मतलब सारे रेंज का आप रखी हैं सामान? हाँ हाँ, उससे ज़्यादा का नहीं, 300 से ऊपर नहीं है, 300 से नीचे ही है सब कुछ। कहाँ कहाँ का सामान आपने रखा है? आरा के है सब, आरा भजपुर महिला कला केंद्र में सब बनता है, सब वही चीज़ है। आप लोगों का वहीं पर केंद्र है? हाँ हाँ, भजपुर महिला कला केंद्र है, जो मेरा NGO है वो क्लस्टर बना है, मेरा NGO जो है अनीता गुप्ता जी है, और मेरा क्लस्टर अपना बना है, अभी उसी में काम हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग उसमें काम करते हैं मैम? मैं तो ऐसे हमारे पास अभी तो 500 महिलाएं हैं, बाकी सब अपना घर पर कुछ करती है, 40 महिला पर्सनल करती है लोग सेंटर पर बैठ कर। मंगलम बुटीक के नाम से इंकम डस गोलंबर पे मेरा है बुटीक। और वहाँ पे आप लोग सजावट का सामान? सारा मेरा होम डेकोरेटिव सामान है, अभी दिवाली से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा, और सारा मेरा होममेड है, मैं खुद अपने से बनाती हूँ सब कुछ। अच्छा, खुद बनाती हैं आप? ये सब मेरा खुद होममेड है सारा कुछ। तो कब टाइम निकालती होंगी आप, कब बनाती हैं? स्कूल चल जाते तब दिन भर क्या करूँ, दिन भर यही सब काम करती, बच्चे स्कूल जाते ट्यूशन जाते उन लोग तब पीछे से ये सब काम करती हूँ, फिर बच्चे आते तो उन लोगों को पढ़ाती करती हूँ। मतलब कहा जाता है कि नारी जो होती है दिन भर काम में ही निकाल देती है, लेकिन आप जो है अपना क्रिएटिविटी दिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ, और इसमें मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मदर इन लॉ, क्योंकि किसी के भी सपोर्ट के बिना कुछ इंसान नहीं कर, कुछ नहीं कर सकता है, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे को। तो ये कला आपके अंदर कहाँ से आया? अपने आप शौक था मेरे को करने का, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, मतलब बचपन से ही मेरे को शौक था करने का, तो मैं करती थी। फिर यहाँ शादियों की जब आई तो मम्मी का बहुत, मतलब मम्मी बोली ठीक है तुमको शौक है तुम करो, तो पहले घर का ही करते थे, फिर करते करते कस्टमर लोग भी जैसे आने लग गए तो फिर सेल आउट करने लगे धीरे धीरे, फिर बुटीक अपना कर लिए। कितने साल से आप ये सब कर रही हैं? हो गया मेरे को 10 साल हो गया करते हुए। 10 साल से आप कर रही हैं, बच्चे तो बड़े हो गए होंगे अब? अब बच्चे हाँ, बड़ी वाली बेटी जैसे 8 क्लास में, बहुत बड़े नहीं हुए हैं बच्चे, बड़ी वाली बेटी 8 में है, छोटी वाली मेरी बेटी 5 में है, और बेटा मेरा 3 में है। तो क्या वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी बनाते हैं क्या आप लोगों? नहीं नहीं, 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 वो लोग को मैं पढ़ने के लिए कर रही हूँ, वो लोग सिर्फ पढ़ते हैं अपना, और अपना जो उन लोग अपना खेलना पढ़ना उन लोगों का वही काम है, ये सब सारा मैं ही खुद करती हूँ। ये मतलब बस आपका ही है? हाँ, ये सिर्फ मेरा ही है। हाँ हाँ।